सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट पेट्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टर्टल के लिए सन बाथ कितना इम्पॉर्टेंट है और उनको सन बाथ कैसे देना चाहिए। तो ये है मेरा टर्टल, आप देख सकते हो, ये मेरा टर्टल है और इसको मैंने सन बाथ के लिए निकाला हुआ है। तो टर्टल के लिए सन बाथ एक बहुत, मतलब धूप में रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप टर्टल को रख रहे हो, उनके हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो शेल होता है, ये शेल जो प्रॉपर्टीज से हमारे नाखून बनते हैं, हमारे बाल जो जिससे बनते हैं, उनका प्रॉपर्टीज पूरा उनका सेम चीज़ से ये सेल बनता है। और इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है यूवीवी लाइट, जो कि नेचुरल यूवीवी लाइट जो है वो सन से आता है। और एक होता है टैंक में लगाने वाला यूवीवी लाइट होता है, वो भी आप लगा सकते हो, बट इनको नेचुरल देना चाहिए। वीक में 2-3 बार आप इनको सन बाथ आप दो, ऐसे धूप में आप इनको रखो। एक गमला में आप रख सकते हो, एक पॉट में आप रख सकते हो, जिसके एक साइड में आप कुछ ऐसा रखो कि एक साइड में धूप रहे, एक साइड में छांव रहे। तो वो अगर इधर सन बाथ लेके उसको अगर आप जाना हो छांव में तो जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा हीट से भी इनको सन स्ट्रोक हो सकता है, इनका डेथ हो सकता है ज़्यादा हीट अगर इनको मिल जाए तो। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका यही होता है सन बाथ का, इनका मैं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट इनका ये है कि इससे इनका शेल बहुत स्ट्रांग होता है और ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इनका शेल बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर आप इनको प्रॉपरली सन बाथ नहीं दे रहे हो, आप इनको धूप में नहीं रख रहे हो, यूवीवी लाइट आप इनके टैंक में नहीं दे रहे हो, बस पानी में है, आप इनको बास्किंग एरिया नहीं दे रहे हो, बास्किंग एरिया भी इसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इसके लिए सन बाथ इम्पॉर्टेंट है, यूवीवी लाइट इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो अगर आप इसको सिर्फ पानी में रखोगे या फिर ऐसे नॉर्मली रखोगे, तो इनका क्या होगा, शेल जो होगा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब आप ऐसे अगर हल्का सा छुइएगा तो पूरा ऐसा नॉ स्पॉन्जी टाइप हो जाएगा, जिससे इनका हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत इश्यू होता है, जिससे इनका डेथ भी हो सकता है, पूरा डेथ हो जाएगा इनका। तो अगर आपके पास टर्टल है तो आप इनको प्रॉपरली धूप में रखा करो। आप देख सकते हो मेरा ये टर्टल भी बहुत छोटा था, इतना था 1 इंच का, अभी ये बड़ा हो चुका है थोड़ा सा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास टर्टल है तो लाइक कर दो वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल, और अगर आपको कुछ नया चाहिए, नया इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो कमेंट डाउन कर दो, और जो वीडियो पे आपको जैसा वीडियो चाहिए वो भी आप बता दो, मैं वैसा वीडियो पूरा कोशिश करूँगा बना देने का पेट्स के कैटेगरी में। सो तब तक के लिए गुड बाय।